वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कौमी इंसाफ मोर्चे तो दो चार बेनतियां समुचे पंजाबियों नूं अते इस कौमी इंसाफ मोर्चे दे विशाल रोस मार्च दे विच शामिल हो रही संगतां नूं करनियां उहदे लई बेनती है कि इस वीडियो नूं वध तो वध जिहड़ा हैगा इहनूं शेयर करियो। पहली बेनती तां हर पंजाबी नूं जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सन्मान करदे ने, हर उस इंसान नूं जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सन्मान बहाल होया देखना चाहुंदे ने, बंदी सिंघां दे रिहाई लई चिंतत ने सुहिरद ने, उहनां नूं बेनती है कि अरदास करियो अज कि अज जिहड़ा आपां रोस मार्च कर रहे हां उह शांतिपूर्वक नेपरे चढ़े अते पूरी चढ़दी कला दे विच होवे। दूसरी बेनती संगतां नूं करदे हां कि पुलिस ने कई जगह दे उत्ते नाके लाए ने, उत्थे कौमी इंसाफ मोर्चे दे नौजवान भी नाल खड़े ने, सो जिहड़ी आम पब्लिक है उन्हां दी जिहड़ी ट्रैफिक है उहनूं बेनती कीती जा रही है कि उह पासे जिहड़ियां खाली सड़कां ने उत्थों दी लंघण, अते जिन्हां ने मोर्चे विच शामिल होणा है अज सुबह ही इत्थे मोर्चे ते पुलिस प्रशासन आया सी उहनां नाल गल होई है, किसी जगह ते भी उन्हां नूं नहीं रोकिया जाएगा जिन्हां ने मोर्चे ते आउणा है। सो किते भी कोई दिक्कत आउंदी है तां तुसीं मोर्चे दे प्रबंधकां दे फोन सारे तुहाडे कोले हैगे ने, तुसीं फोन करके दस सकदे हो। सो सब तो पहली बेनती कि अज अरदास करियो कि आपां जिस कारज लई तुरे हाँ अकाल पुरख वाहिगुरू उहदे उत्ते रहम करन अते उहनूं चढ़दी कला बख्शन। दूसरी बेनती आपां शांति बना के रखनी है और जिन्ने भी सिंघां ने जिन्ने भी भरावां ने वीरां ने भैणां ने इस मोर्चे दे विच शामिल होना है उन्हां ने सतर्क हो के रहना है। उन्हां सारिआं दी जिम्मेवारी है कि किते भी कोई शरारती अंसर नज़र आउंदा है तां तुरंत उहदे ते निगाह रखो, उहनूं गलत काम करन तों रोको, क्योंकि जिन्हां दा इस मोर्चे दा जिन्हां नूं नुकसान होना है जिन्हां नूं सजावां मिलनियां ने वो बहुत ताकतवर बंदे ने, भावें वो सौदा साध होवे, भावें सबका मुख्यमंत्री होवे, भावें सबका DGP होवे, ते सब तो वड्डी गल बंदी सिंघां दी रिहाई नाल जिन्हां साडे ही सिख आगूआं दीआं झूठ दीआं दुकानां बंद होणियां उहनां नूं भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है, सो ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਆਖਿਆ। ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਵਰਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ
तरपाला भेजिया, किसी ने तंबू भेजे, किसी ने बिस्तरे भेजे। सो उन्हां सारियां संगतां दा कोटन कटान धन्नवाद है जिन्हां ने इन्हां प्रबंधां दे विच सहयोग किया। सो इन्हां बेनतियां दे नाल ही मुड़ बेनती करदे हां कि शांति बना के रखनी है और जिथे जिथे पुलिस ने नाके लाए ने उत्थे तुसीं दस के आ जाणा है कि असीं कौमी इंसाफ मार्च विच शामिल होण लई जा रहे हां। अपने सिंह भी उत्थे खड़े होणगे सहयोग दे के पूरी सद्भावना दे नाल, क्योंकि अपनी लड़ाई पुलिस दे नाल नहीं, अपनी लड़ाई उन्हां हाकमां दे नाल है जिहड़े पुलिस दा भी दुरउपयोग करदे है, अदालतां दा भी दुरउपयोग करदे है, ते समुचे प्रशासन दा भी दुरउपयोग करदे है, अते लोकां नूं लड़ा के वंडियां पा के राज करदे है। साडी लड़ाई उन्हां दे नाल है। सो इन्नियां क बेनतियां प्रवान करनियां और अज अरदास करनी कि जिस कार्य लई आपां जुड़े हाँ, कट्ठे होए हाँ, उस कार्य नूं गुरु महाराज सफलता बख्शन। आओ गज के फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।